नमस्कार दोस्तों, हक इन क्रेज सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि दो नंबर्स का एडिशन किस तरह से किया जाए सी प्रोग्राम में टर्बो सी प्लस प्लस के थ्रू। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर एंड इट्स टाइप टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और डिटेल्ड नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आज का टॉपिक और आज के जो लेक्चर है वो आपको 100% समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया कि इस वीडियो में हम एडिशन का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो एडिशन का प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होंगी, उसके बाद वही वॉइड मेन जैसा कि मैं आपको स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, और उसके बाद मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, यहाँ पर एक 9 लिया है और एक 18 लिया है, ठीक है। तो ये जो दोनों वेरिएबल हैं हमारे इंटीजर ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 18, दैट मीन आपका एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा ए नाम से, जिसकी वैल्यू होगी 9, और उसमें जो भी आप वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। और इसी तरीके से एक बी भी क्रिएट हो जाएगा जिसमें वैल्यू होगी अंदर 18 इंटीजर टाइप की, और उसका नाम होगा बी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी, और ये सी क्या है, हमारा फॉर्मूला। अब हम लिख देते हैं प्रिंट एफ एडिशन इज परसेंटाइल डी कॉमा सी, और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमने गेट सी एच लगा दिया है। अभी देखिए हमारा क्या ये प्रोग्राम सही है या नहीं है, ठीक है कैसे देखेंगे, कंपाइल करते हैं। देखो कंपाइल करिए और इसने एक एरर अपने को बताइए, एक एरर देखते हैं क्या है, वो बोल रहा है बी असाइन वैल्यू दैट नेवर यूज इस तरह से। अभी देखिए हमने यहाँ पर इंटीजर ए इक्वल टू 9 लिख दिया है, बी इक्वल टू 18 लिख दिया है, और हम यहाँ पर सी जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये वाला सी, ये सी हमने डिक्लेयर तो किया नहीं है, तो इस सी को भी डिक्लेयर कर देते हैं। आप अगर चाहें यहाँ पर कॉमा लगा कर भी सी डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह से, या फिर दूसरा तरीका है आप इसको इंटीजर सी इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, देखिए कंपाइल किया और एक भी एरर नहीं है, चलिए रन आउट करके देख लेते हैं इसको। देखिए रन करता हूँ और रन करने पर दिखा रहा है एडिशन इज 27, तो हमारा जो इंटीजर था, लाइक दूसरे तरीके से और रन करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए तो एडिशन इज 27। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 18.6, अब 18.6 को अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो देखिए कंपाइल करने पर ये आंसर अपने को 27 ही दिखा रहा है, जबकि इसका आंसर तो अलग आना चाहिए कुछ, तो ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ, एरर दिखा नहीं रहा है पर आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आती है वही डेटा टाइप की बात, कि डेटा टाइप हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है फ्लोट, क्योंकि पॉइंट में है और हम यूज़ कर रहे हैं इंट, तो डेटा टाइप मिसमैच है तो आंसर में कुछ ना कुछ फॉल्ट तो होना ज़रूरी है ही है। तो इस लाजमी फॉल्ट को हटाने के लिए हम डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोट, ठीक है। अब फ्लोट लिख दिया है, इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने पर जीरो एरर है क्योंकि इसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, बट अगर मैं रन करता हूँ इसको तो रन करने पर आंसर दिखा रहा है ज़ीरो। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और बोलते हैं कि सर इसका आंसर तो ज़ीरो आ रहा है, जबकि इसका आंसर कुछ और आना चाहिए। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि भाई जो भी आपने यूज़ किया है अपना डेटा टाइप, जैसे यहाँ पर आपने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया है, तो फ्लोट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आपने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं वो भी तो फ्लोट का ही होना चाहिए, और आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंट का, तो अगर आप फ्लोट का ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें, और जो कि आपका परसेंटाइल एफ है, और अब इसको आप कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे तो उस केस में क्या होगा, देखिए कंपाइल कराया मैंने और रन कराया तो आपका दिखा दिया इसने एडिशन इज 27.6, जो कि करेक्ट है।
तो दोस्तों एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपका। हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में दो तरीके के डेटा टाइप यूज़ किए थे, कौन कौन से, इंटीजर और फ्लोट, और एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था अर्थमेटिक ऑपरेशन विच इज़ एडिशन। एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, फार्मूला अप्लाई किया सी इक्वल टू ए प्लस बी और उसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ एडिशन इज़, और जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया था परसेंटाइल डी या परसेंटाइल एफ वो यूज़ किया, और उसके बाद कॉमा लगा के लिख दिया सी, जिसमें हमारी एडिशन दोनों नंबर्स के एडिशन की वैल्यू स्टोर थी। तो ये था हमारा एडिशन का प्रोग्राम। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इसमें वैल्यूबल थिंग्स हमने शेयर की आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, एंड दिस चैनल इज़ न्यू सो प्लीज़ सपोर्ट अस। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिससे कि वो भी सी प्रोग्राम सीख सकें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी जी कृष्णा चौहान एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।